ट्रस्ट मी, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ ये चंद मसालों के आगे मैं खड़ी हूँ और जो खुशबू आ रही है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम आज स्टार्ट करते हैं बादामी कोफ्तों से। और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, भुने हुए चने हैं पिसे हुए बिल्कुल, चावल हैं पिसे हुए, अच्छा जी, और बादाम पिसे हुए हैं, खशखाश पिसी हुई है, ठीक है, तिल पिसे हुए हैं, ठीक है, गरम मसाला है, नमक है और लाल मिर्च है। अच्छा, बना हम कोफ्ते रहे हैं, ओके, लेकिन डालेंगे हम कोफ्ते का मसाला, ठीक है। ये मैं सारी इस इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, मैं ना चावल क्यों डालते हैं कोफ्तों में, मैंने कभी नहीं सुना। मेरे ख्याल से मुझे लगता है इसलिए डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी या बाइंडिंग भी होगी। ओके, अच्छा, उसके अलावा हम इसके अंदर दही डालेंगे, ओके, कोफ्तों में, और हम अंडे भी डालेंगे। अच्छा, कितने अंडे चाहिए आपको? इसके अंदर हम तकरीबन 2 अंडे डाल देंगे, 1.5 से 2 अंडे डालेंगे, ठीक है जी। और दही तकरीबन हम इसमें 1/2 कप डालेंगे, ये आधा कप दही जी। और आपने बीफ लिया है, मटन या ये मटन है? ओके, ये मटन है। इसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर, और हम इसके कोफ्ते हम इसको बनाएंगे। इसके अंदर स्टफिंग हमने करनी है, ये भरे हुए होंगे, इसके अंदर अदरक है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। okay. इसके हम थोड़ा थोड़ा से उठा के हम इसके अंदर बनाएंगे, जैसे हम शामी कबाब भरते हैं इसी तरह हम कोफ्ते भरेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर आप अदरक लहसुन नहीं डाल? नहीं, अदरक लहसुन नहीं डालेगा। okay. इसके अंदर ये सब चीज़ें मिक्स होंगी और मिक्स होके फिर हम इसके कोफ्ते बना के हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में, फ्रीजर में बल्कि रख देंगे, ताकि ये थोड़े से और बेहतर हो जाए और टूटे नहीं। और फिर हम जब तक उसकी ग्रेवी बनाएंगे तैयार करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको कोफ्तों में डाल के, आप अपने हेल्पर को दे दीजिए, हम ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोफ्ते बन रहे हैं, मेहनाज की हेल्पर बना रही है कोफ्ते स्टफिंग करके। हम आ गए हैं इधर अपने काउंटर पे टू मेक द ग्रेवी, कोफ्ते की ग्रेवी बन रही है जी मेहनाज जी। तो हमने तेल लिया, ठीक है, ठीक है, कोफ्तों में तेल ज़रा ऊपर अच्छा लगता है ज़्यादा। 1 कप ऑयल, 1 कप ऑयल, ठीक है। ज़रा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ये लेंगे, धनिया है, धनिया पाउडर है, बादाम पिसे हुए हैं और ज़ीरा है, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी है, ठीक है। ज़ीरा इज़ 1 teaspoon साबुत जी, धनिया पाउडर 2 tablespoon है जी, और बादाम भी 2 tablespoon है, चिली पाउडर 1 teaspoon, हल्दी इस तकरीबन 1/2 to 3 जी। ये सारी चीज़ें डालेंगे, लहसुन और अदरक, ठीक है, पिसावा तकरीबन 1-1 tablespoon, 1 tablespoon की जिंजर, 1 tablespoon की गार्लिक। अब इसमें सारा ड्राई मसाले डाल रहे हैं जी, साबुत जीरा चला गया था, चिली पाउडर 1 teaspoon, हल्दी 1/2, धनिया पाउडर 1 tablespoon जी, और साथ में हम ये कोरमा मसाला, कोई भी ब्रांड, किसी भी ब्रांड का हम ये पैकेट। और आपने नमक इसलिए नहीं डाला कि मसाले में है, ऑलरेडी है, और हम कोफ्तों में भी डाल चुके हैं जी, जिसमें नमक नहीं जाएगा बिकॉज कोरमा मसाले में नमक है जी। 1/2 कप दही में पिसी हुई प्याज, इसको मिक्स कर लिया आपने, इसको मिक्स करके बस अभी हमने रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे कोफ्ते हो जाएंगे और अच्छा, जब हम डालेंगे गलेंगे उसके बाद फिर हम ये डालेंगे इसके। अभी दही नहीं डालेंगे, ठीक है, पहले कोफ्ते डालेंगे, जब कोफ्ते गल जाएंगे फिर ये दही और प्याज जाएगा। अच्छा, ओके। और अब हम आते हैं कोफ्तों की तरफ, ये हमने स्टफिंग की है, ये स्टफिंग जो है इसके अंदर अदरक और प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये खोल के हमने दिखा दिया आपको, तो आप इसमें ये अच्छा
कोफ्ते की एक ख़ास बात यह है जो कि चम्मच नहीं डलता है, बस सिर्फ इसको इसी तरह करके हिलाना होता है और उसी में वो बन जाएंगे। फर्स्ट क्लास खुशबू जो है वो इलायची, जायफल, जावित्री की है। I'm so soft.